हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट अपनी मार्कशीट में संशोधन कैसे करवाएं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपके क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट में कोई गलती है, चाहे आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, तब उसमें संशोधन कैसे करवा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपकी मार्कशीट में गलती है तो अब आप उसमें संशोधन कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, तब आपको अगर उसमें संशोधन करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने क्लास टेंथ या ट्वेल्थ किया है वहाँ पर आपको जाना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे आपको मिलना है और उनको बताना है कि सर, हमारी यह मार्कशीट है और इसमें यह गलती हो गई है, इसको संशोधन करवाना है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप स्कूल जाते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल से मिलते हैं तो स्कूल वाले आपके मार्कशीट में संशोधन करवा देते हैं, क्योंकि उनको पूरा स्टेप मालूम होता है और उनके पास एक दो लोगों की नहीं बल्कि जितने लोगों की गलतियां रहती हैं सबकी मार्कशीट होती है, तो सबका जो है कि संशोधन करवा देते हैं, उनको पूरा स्टेप मालूम होता है, तो इसलिए वह बहुत ईजिली जो है कि आपकी मार्कशीट में संशोधन करवा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं, आपकी मार्कशीट में संशोधन नहीं करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको घर आ जाना है। सबसे पहले तो यह पता ही कर लेना है कि करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो उनको दे देना है, अगर नहीं करवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की जो कचहरी है वहाँ पर जाना है और एक एफिडेविट आपको बनवा लेना है। एफिडेविट में यही रहेगा कि हमारी यह मार्कशीट है और इस मार्कशीट में यह गलती हो गई है, तो वहाँ से आपका 50 या 100 रुपये की एफिडेविट बन जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको जुटाने हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेनी है, और उसके बाद जो आपकी मार्कशीट में गलती है, चाहे क्लास टेंथ की जो मार्कशीट है अगर उसको गलती है तो उसको ले लेना है ओरिजिनल, और अगर आपके क्लास ट्वेल्थ की गलती है तो क्लास ट्वेल्थ की ओरिजिनल मार्कशीट ले लेना है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट में गलती है और क्लास टेंथ की जो मार्कशीट थी वह सही है, तब आपको क्या करना है कि क्लास टेंथ की भी मार्कशीट आपको साथ ले लेनी है, क्योंकि जब आप संशोधन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि क्लास टेंथ की मार्कशीट के आधार पर आपका संशोधन कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपके क्लास टेंथ की गलती है और क्लास ट्वेल्थ की सही है तो उसको ले लेना है, दोनों को ले लेना है, और अगर आपका क्लास ट्वेल्थ का गलत है, क्लास टेंथ का सही है तो उसको ले लेना है। अगर फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट में दोनों में गलती है तब आपको सिर्फ आधार कार्ड वगैरह लेकर के जाना है। तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर के आपको क्या करना है कि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिहार बोर्ड के जो कार्यालय है वहाँ पर आपको जाना है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड का जो कार्यालय है वहाँ पर आपको जाना है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से अधिकारी लोग बैठे होते हैं, और उनसे मिलना और उनको बताना है कि सर, यह हमारी मार्कशीट है और इसमें यह गलती हो गई है, इसको संशोधन करवाना है। तो वहाँ पर वह लोग संशोधन कर देते हैं, आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, 100 रुपये, 200 या 300, 400 रुपये ले सकते हैं, और वहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस के हिसाब से आपके मार्कशीट में संशोधन कर दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपनी मार्कशीट में संशोधन करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।